ओ श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जैसे हमने कल भगवान की छठी का उत्सव सेलिब्रेट किया, भगवान की छठी अर्थात भगवान का नामकरण। जब भगवान का नाम प्रकट होता है, वास्तव में भक्तों, वैष्णव आचार्यों ने, भक्तों ने, संतों ने, भक्त प्रेम प्राप्त महात्माओं ने, महापुरुषों ने भगवान को प्राप्त करने का एक ही आधार बताया है। यदि जीवन में भगवान की प्राप्ति कभी संभव है तो उसका रास्ता है भगवान का नाम। ये भगवान का नाम ही हमें भगवान तक पहुंचा देगा। तो कृष्ण लीला में अभी तक हमने प्रवेश नहीं किया, जिसे हम दशम स्कंद पढ़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण लीला में प्रवेश करने से पहले कृष्ण के नाम का प्राकट्य बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिसके जीवन में भगवान के नाम का प्राकट्य नहीं होता ना, भगवान का प्राकट्य होना संभव नहीं है। भगवान आज तक जहां जहां भी प्रकट हुए हैं तो वहां वहां प्रकट हुए हैं अपने नाम के आश्रय को लेकर, नाम के आधार को लेकर। तो भगवान का जन्म हो गया, 100 दिन के हो गए कृष्ण, 100 दिन तक भगवान क्रीड़ा करते रहे यशोदा जी के आंगन में, परंतु अब तक कोई नाम नहीं दिया था। सब अपनी अपनी इच्छा से उनको पुकारते थे। उनका रूप ऐसा था, इतना सौंदर्य था, कोई सांवरा बुलाता था, कोई सलोना बुलाता था, कोई नंद नंदन कहकर बुलाता था, तो कोई यशोदा नंदन कहता था। तो लेकिन फिर भी अभी तक कोई ऐसा उत्सव नहीं हुआ था नामकरण का, क्योंकि नंद और यशोदा तो अपने नीलमणि को ऐसे छुपा कर रखते थे जैसे पलके पुतली को छुपा कर रखती थी। मैया भयभीत थी, बाबा भी भयभीत थे कि जब से लल्ला आया है तब से रोज कोई ना कोई उपद्रव हो रहा है, कोई ना कोई आपत्ति आ रही है, ना जाने कितने कितने असुर आते रह रहे हैं और इसको कष्ट पहुंचाने की, इसका अहित करने की चेष्टा कर रहे हैं। और इसीलिए वो चाहते नहीं थे कि कोई उत्सव हो जिससे कंस जो है वो और भी अधिक सावधान हो जाए और हमारे लल्ला का कोई अहित कर ले। तो जब से पैदा हुए थे सब अपने अपने भाव से नंद नंदन को पुकार रहे हैं, कोई सावना बुलाता है, कोई सलोना बुलाता है, नामकरण संस्कार ना हुआ, लेकिन हृदय में एक इच्छा तो थी ही। जब हमारे घर में लाला का जन्म होता है तो इच्छा तो होती ही है ना कि हमारे लाला की का नामकरण संस्कार हो। तो लेकिन मैया की एक एक श्वास लाला के पोषण में लगी हुई है, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बीच के चंद्रमा की तरह। आज नंद बाबा के हृदय में एक उत्साह था, एक उल्लास था। एकादशी का दिन था, नंद बाबा अपने इष्ट श्रीमन नारायण के समक्ष बैठे हुए थे, श्रीमन नारायण की पूजा अर्चना की, उनको नैवेद्य और उनकी षोडश उपचार से पूजा कर रहे थे। मन में बार बार एक ही भाव उत्पन्न हो रहा था, एक ही हृदय के अंदर कामना उत्पन्न हो रही थी कि कोई भाव संपन्न, कोई भक्ति संपन्न, कोई महापुरुष, कोई योग्य आचार्य अपने मुख से हमारे इन दोनों बालकों को एक नाम प्रदान कर दे, एक सुंदर नाम हमारे लल्ला को प्राप्त हो जाए, हमारे भाव को पल्लवित होने के लिए, पुष्पित होने के लिए एक आधार मिल जाए। और नंद बाबा की हृदय के अंदर ये जो कामना उत्पन्न हो रही थी, वास्तव में
जिनके केवल नाम मात्र से समस्त कामनाओं को पूरा करना ही नहीं, जिनका केवल नाम मात्र ही जीव की कामनाओं को पूरा नहीं करता, बल्कि जीव के हृदय में जितने भी कामना हैं, उनको संतुष्ट करके समाप्त कर देता है। हृदय में जब भगवान का नाम उत्पन्न होता है ना, तो समस्त कामनाएं स्वतः कहीं खो जाती हैं, इच्छाएं समाप्त हो जाती। भक्ति प्राप्त करने के बाद, भगवान प्राप्त करने के बाद क्या अनुभव होता है, इसका तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इतना तो मैं बता सकती हूँ, प्रैक्टिकल है। नाम से जब प्रेम हो जाता है ना, तो संसार की कोई इच्छा हृदय को आकर्षित करती नहीं है। तो जिनका केवल नाम मात्र समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देता है, उनके पिता की कोई कामना अधूरी रह जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। और वैसे भी भक्त के हृदय में यदि कोई इच्छा उत्पन्न होती है ना, तो वो भक्त की नहीं होती है। भक्त का मन जब तदाकार हो जाता है भगवत भाव से, भगवान के रूप लीला गुणानुवाद के अंदर जब भक्त का मन लग जाता है ना, तो ठाकुर जी की इच्छा ही होती है जो भक्त के मन के द्वारा प्रकट होती है। ठाकुर जी चाहते हैं, मैं तो आ गया, इतने दिन हो गए, लेकिन वो तारणहार मेरा नाम अभी तक संसार में आया नहीं है, जो समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है, तो उस नाम का भी हमें प्राकट्य होना ही चाहिए। तो यही मन में भाव चल रहा था, श्रीमन नारायण का श्रृंगार कर रहे थे नंद बाबा, अभी जामा पहनाया था, एक बाह पहनाई, दूसरी बाह पहनाई रहे थे, अचानक गोष्ट से कोई आया और कहने लगा कि द्वार पर कोई शुद्ध महात्मा, एक तपोधन, एक महात्मा, कोई ऐसा ज्ञान संपन्न आचार्य आ गया है। ये जब नंद बाबा ने जब ये शब्द सुने कि द्वार पर कोई महात्मा प्रकट हुए हैं, तो उसी समय आधा श्रृंगार किया ठाकुर जी का, एक बाह पहनाई थी, दूसरी पहनाई नहीं, उसी समय उठ गए संत के सत्कार करने के लिए। वास्तव में भक्तों, संत के सत्कार का कायदा भी यही है। और अभी तक वो पूजा जो नैवेद्य अर्पण करना था, जब पूजा करके संपन्न करके जो उठते हैं, प्रणाम को प्रकट करते हैं, वो प्रकट भी नहीं किया और वो उठ गए। वास्तव में यही आचार्यों ने हमें सिखाया है। एक बार गोसाई विठ्ठल लाल श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे, यो आधा अधूरा श्रृंगार किया और अचानक से श्रीनाथ जी ने उन्हें कहा कि स्वामी हरिदास महाराज और उनके कुछ शिष्य, वृंदावन के कुछ रसिक आचार्य आए हैं, आप जाइए और उन्हें आदर सहित लेवा लाए। श्रीनाथ जी के मुख से ये सुनते ही गोसाई जी ने सोया उठ गए वहाँ से, आधा अधूरा श्रृंगार उनका करके पधारे, और जो स्वामी हरिदास थे वो भी सेवा प्रवीण महात्मा थे, कहने लगे अरे श्रृंगार तो कंप्लीट करके आते थे, यो भगवान को आधा अधूरा श्रृंगार छोड़कर आ गए। तब गोसाई विठ्ठल नाथ ने कहा, मुझे आज तक जो भी अपनी आधी अधूरी सेवा में मैंने की है, उसका जो फल आपके स्वरूप में मुझे प्राप्त हुआ है, जो भी मैंने आज तक किया है, उसका आज ही तो फल मिला है कि श्रीनाथ जी ने अपने मुख से मुझे कोई आज्ञा तो दी, उनके शब्द मेरे कान तक तो पड़े, कुछ सुनने को तो मिला। तो यही भाव होना चाहिए संत का, संत के स्वागत का। और बिना निमंत्रण के यदि आपके घर में कोई संत आ जाए ना, तो समझना ये भगवान की असीम करुणा है। द्वार पर जब कोई संत आ जाता है ना, तो समझो भगवान आपके ऊपर कृपा करना चाहते हैं। संत यदि किसी को श्राप भी दे देते ना, संत के पास देने के लिए आपको भगवान के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। कोई शुद्ध भक्त
के साथ किसी तरह से भी आपका सानिध्य हो जाए। नारायण मुनि जा रहे थे वो नल कुबेर और मणिग्रीव जो कि अवहेलना कर बैठे, उनका अपराध कर बैठे, लेकिन फिर भी उन्होंने शाप के रूप में भी क्या पाया? भगवान का दर्शन, वह ब्रज धाम जिसके अंदर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, उसी ब्रज धाम में वृक्ष बन गए वो। और आते जाते बाकी सबको भगवान की लीलाएं देखने को मिले या ना मिले, भगवान की सारी लीलाएं वो दो वृक्ष तो देखते रहते थे। तो संत यदि क्रोधित भी हो जाता है ना तो भी आपका कल्याण, तो संत का सानिध्य जो होता है जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। तो जैसे ही नंद बाबा को पता चला कि द्वार पर कोई योग आत्मा, कोई योग्य गुरु, कोई संपन्न आचार्य आकर प्रकट हुए हैं, जाकर देखा तो एक बार तो नंद बाबा को यकीन ही नहीं आ रहा था, उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि यदुकुल के परम आचार्य महामुनि गर्ग द्वार पर खड़े थे अपने दो तेज संपन्न शिष्यों के साथ। नंद बाबा को तो सर्वप्रथम समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे स्वागत करूं, कैसे सत्कार करूं, क्या निवेदन करूं, कैसे उनकी पूजा करूं। प्रभु प्रभु आप पर कितना प्रसन्न है इसका क्या मानदंड है जानते हो? भगवान आपकी पूजा से, आपकी सेवा से, आपकी साधना से कितना प्रसन्न है ये कैसे पता चलेगा जानते हो? क्या घर प्राप्त करना, प्रतिष्ठा मिलना, मान सम्मान, धन सामान, यश ऐश्वर्य, ये सब प्राप्त होना प्रभु की संतुष्टि का कारण हो सकता है? क्या ये सब प्राप्त होना काफी है? नहीं, कुछ भी नहीं। मान सम्मान, यश सामान, घर सानिध्य, ये सुविधाएं, ये भगवान की कृपा के लक्षण नहीं है। भगवान यदि आप पर कितने प्रसन्न हैं ये यदि कभी जानना हो तो इसका केवल एक ही मानदंड है, और वो क्या है? उसकी एक कसौटी है। पहला तो आपको सत्संग जीवन में कितना मिल रहा है, आपको कितना अवसर प्राप्त होता है किसी संत के मुख से भगवत चर्चा श्रवण करने का, ये पहला कसौटी है, पहला मानदंड है। आप यदि जानना चाहते हो कि भगवान मुझ पर प्रसन्न है या नहीं है तो देखिए आपको सत्संग मिलता है जीवन में। और उससे भी बड़ी बात कि आप सत्संग को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, सत्संग को प्राप्त करने के लिए जो उल्लास, जो उत्साह, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा या कामना आपके मन में उत्पन्न होती है ना, आपके हृदय में जब इच्छा होती है कि मुझे भगवान के विषय में कुछ श्रवण करना है, भगवान कुछ ऐसा कर दो कि मैं किसी शुद्ध वैष्णव के मुख से तुम्हारे विषय में श्रवण कर सकूं, हृदय में जब ये इच्छा उत्पन्न हो जाए ना तो ये वस्तुतः भगवान का प्रसाद है, ये भगवान की कृपा का प्रमाण है। यदि हमारे हृदय में भगवान के विषय में श्रवण करने की इच्छा नहीं, साधु संघ की इच्छा नहीं, सत्संग की इच्छा नहीं, तो समझना भगवान नाराज है हमसे। और जब सत्संग की प्राप्ति हो जाए तब समझना आज भगवान की कृपा में, जब किसी संत का दर्शन हो जाए तो समझ लेना अब और कुछ रह नहीं गया भगवान को हमें देने के लिए। भगवान के पास सबसे बड़ी कृपा यही है कि आपको किसी शुद्ध वैष्णव का सानिध्य प्रदान कर दे बस, और बड़े भाव और बड़े भरे भरोसे के साथ तुलसी बाबा ने कहा, बिन हरि कृपा मिलै नहि संता। जब तक कृपा नहीं होगी ना तब तक संत नहीं मिलेंगे। भगवान आपकी साधना से, आपकी सेवा से जब प्रसन्न हो जाते हैं तब आपको किसी संत का, ये संत तो भगवान के हृदय में रहते हैं, वो उनका सानिध्य उन्हीं को प्रदान करते हैं जिन पर असीम कृपा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है कि आपको संत का संग मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, कोई ऐसा संत जिसके साथ रहकर आपके मन चित्त की वो भटकने वाली वृत्तियां, विकृतियों से ये भरा हुआ ये मन,
ये मेला मन धीरे धीरे जब पवित्र होने लगता है, शुद्ध होने लगता है, जब इस मन में भौतिक वासनाएं समाप्त होकर भगवत प्रेम उत्पन्न होने लगता है, तब तभी तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। संत का केवल दर्शन प्राप्त हो जाए, केवल दर्शन मात्र से वो जीव को पवित्र कर देते हैं। गंगारा परश होले पश्चाते भावं दर्शन पवित्र करो हे तुम्हारा गुण। संत ना चर्चा करे, संत संत के मुख से भले कुछ निकलता नहीं है, केवल उसका दर्शन, एक दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए, एक मुस्कान बड़ी दृष्टि यदि संत की आपको प्राप्त हो जाए, पर्याप्त है। और कुछ पाने के लिए रह नहीं जाता, क्योंकि ये स्पिरिचुअल साइंस है। संत के रोम रोम से जो परमाणु निकलते हैं, वो विषय वासित मन को निर्मल करने के लिए पर्याप्त है। हृदय के अंदर जो अपवित्रता है, वो केवल संत के दर्शन मात्र से ही प्राप्त साफ हो जाती है। इसीलिए तो मीरा जी कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो आयो जी मेरे राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अप। क्या क्या वस्तु दी भगवान ने कि संतों ने मुझे अपना लिया, मुझे अपना स्वीकार कर लिया। इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए, इससे भगवान इससे ज्यादा मुझे और क्या दे सकते हैं। मेरे सतगुरु ने कृपा करके मुझे अपना लिया है। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की भव सागर सब सूख गयो। मीरा कहती है किसी के लिए होगा भव सागर, लेकिन जब मुझे किसी संत का आश्रय प्राप्त हो गया, तो ये भव सागर मेरे लिए तो मानो सूख गया है। और फिकर नहीं मोहे तरनन की, अब मुझे तरने की फिकर नहीं है। ये जो संत का सानिध्य प्राप्त हो गया ना, वो मुझे भवसागर से पार करा ही लेगा। तो सबसे पहले नंद बाबा ने जैसे ही गर्ग आचार्य को देखा, गर्ग मुनि के चरणों में उनको सादर प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम आदर के साथ अपने गोष्ठ में लिवा लाए, सुंदर आसन रत्न जरत सिंहासन पर आचार्य को विराजमान किया, शरण पखारे। वास्तव में यही पहली क्रिया होनी चाहिए। जब कभी आपको किसी संत का सानिध्य प्राप्त हो, तो संत की यदि इच्छा हो, तो पहला कार्य यही कि संत के चरण की ध्वनि को अपने मस्तक पर अवश्य लगाइए। क्योंकि भगवान जो है ना, वो भी क्या कहते जानते हैं, हूँ भक्तन के पाछे पाछे फिरत हूँ। ये जो भक्त है ना, उनके पीछे पीछे फिरता हूँ। किसी ने पूछा, क्यों कन्हैया, किस काहे फिरते हो उसके पीछे? तब उसका कारण क्या है कि उनकी चरण रज को प्राप्त करने के लिए भगवान सदैव लालायित रहते हैं। कभी तो बीमार हो जाते हैं कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं अस्वस्थ हो गया हूँ, पीड़ा सही नहीं जाती, किसी भक्त के चरणों की रज ला के दे दो तो मुझे स्वस्थ मुझे स्वस्थता प्राप्त हो, मेरी ये जो अवस्था है वो सही हो जाए, मेरी रुग्णता ठीक हो जाए, किसी भक्त के चरणों की रज प्राप्त हो जाए। वास्तव में भक्तों, ये जो भक्ति महारानी है ना, ये भक्ति महारानी का अतुल बल है कि ठाकुर जी असीम भगवान जो संसार का एक ही क्षण में प्रलय कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, वो भगवान को भी पवित्र करने वाली है। ये जो परम पवित्र है, जो पूर्ण भगवान है, कोई कमी नहीं है, उस भगवान को भी पवित्र करने वाली है भक्ति। वास्तव में ये कहने के लिए भक्ति है, परंतु तो वास्तव में तो ये भगवान की भी भगवत्ता है। ये भगवान को वश करने का एकमात्र साधन है।
भगवान को बांध लेती है ये भक्ति, भगवान रीझ जाते हैं। क्या क्या दिया गोपियों ने कृष्ण को? एक एक माखन का लोंधा। क्या भगवान के पास माखन की कमी थी? करोड़ों तो गाय थी भगवान के पास, और फिर भी कहती थी कि मोर पखा सिर पे में सजा दो। मोर पंख क्या, किस क्या उसका मोल क्या है? सावन जब, सावन में जब नृत्य करते हैं मोर, तो यूं ही वृंदावन में पखड़े हुए होते हैं, उसमें से एक मोर पंख में तुम्हारे बालों में लगा दूंगी। हरे बांस की पोरी मंगवा दो। क्या उस बांस की पोरी का क्या मूल है? ये लालच दे रही है गोपी, ठुमका लगा दे तो है माखन खिलाऊंगी, ठुमका लगा दे तो है माँ। क्या वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं के बस मुझे प्रेम चाहिए, वो प्रेम वो भक्ति से रीझ जाते हैं। शबरी की कुटिया में जब भगवान श्री राम गए तो कहने लगे, शबरी ये जो नवधा भक्ति है ना, उनमें से यदि कोई एक भी कर ले, किसी के अंदर यदि कोई एक भी परिपूर्ण मात्रा में होता है तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है, और तुम्हारे जीवन में तो नौ की नौ परिपूर्ण मात्रा में, नौ की नौ भक्तियां पूर्ण है। भगवान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या शबरी पर न्याचावर करे। शबरी ने जो जो इतने वर्ष तक प्रतीक्षा की थी भगवान की, जो झूठे बेर भगवान को समर्पित किए थे, क्या किया मर्यादा पुरुषोत्तम ने जानते हो? कभी गौर किया इस बात पर? जीवन में केवल एक बार जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। तोड़ दी भगवान ने शबरी की कुटिया में पैर रख के, क्योंकि जब भगवान को वनवास मिला था ना, तब उन्होंने प्रण किया था कि मैं किसी के घर में नहीं जाऊंगा। शबरी कोई संत नहीं थी, एक स्त्री थी, कुटिया में अकेली रहती थी, और भगवान उस भक्ति पर इतना रीझ गए कि बेच दिया स्वयं के स्वरूप को, मर्यादा छिन्न भिन्न कर दी, और भगवान कुटिया में गए। वनवासी होते हुए, तपस्वी होते हुए एक एक स्त्री के झूठे बेर खाए उन्होंने। केवल बेर खाए ही नहीं, बल्कि आजीवन जब जब भगवान ने कोई वस्तु को भोग लगाया, चाहे वो कितना ही सुंदर भोजन, 56 व्यंजन, 36 जितने भोजन हो, उनको खाते हुए भी भगवान ये कहना नहीं भूले कि सब कुछ बहुत सुंदर है, स्वादिष्ट है, परंतु वो शबरी के बेरों जैसी मिठास नहीं है। ये भक्ति जो है वो भगवान को इतना अपने वश में कर देती है कि भगवान चाह कर भी वो भक्त को अपने से दूर नहीं कर सकते। महामुनि अभी तक सोच ही रहे थे, देख ही रहे थे नंद बाबा महामुनि को देखकर अभी कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे, शब्द मौन हो गए। महामुनि ने कहा, नंदराय आप स्वस्थ तो हैं? जब कोई आचार्य किसी से पूछता है ना कि आप स्वस्थ तो हैं, तो स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ बुखार तो नहीं है, नहीं, स्वस्थ का मतलब है कि आपका मन कहाँ है, ये मन विषय में लगा हुआ है या भगवान के चरणों में लगा हुआ है। और जब मन हर प्रकार की प्रतिकूलता के होते हुए, हर प्रकार के कष्टों के होते हुए, संकटों के होते हुए भी जब मन कृष्ण के चरणों में लगा हुआ ना, तो समझना कि आप स्वस्थ हो। तब महामुनि यही बोल रहे थे कि आप स्वस्थ तो हो। जैसे ही महामुनि के मुख से शब्द निकले, नंद बाबा पुनः अपनी स्थिति में जागृत हो गए और कहने लगे, भगवान आज ही मैं आज श्रीमद नारायण से ये प्रार्थना कर रहा था कि आप जैसा कोई तपोधन यहाँ पर आए और मेरे समक्ष आप प्रकट हो गए हो, ये मेरा पुण्य नहीं हो सकता। मैंने अपने जीवन में कोई इतना बड़ा पुण्य किया भी नहीं है, ये तो मेरे इष्ट श्रीमद नारायण की मुझ पर कृपा है
जो आप जैसे योग्य संत को मेरे द्वार पर स्वतः भेज दिया उन्होंने। तो कृपा करिए, मेरी इच्छा है आप, आपसे ज्यादा योग्य और कौन हो सकता है। ये महामुनि गर्ग जो थे वो ज्योतिष शास्त्री के प्रणेता थे, ये रचयिता है ज्योतिष शास्त्री की। तो बोला आपसे ज्यादा कौन और कौन कर सकता है हित मेरे 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 पुत्र का, तो आप कृपा कीजिए मेरे मेरे कृष्ण का, मेरे मेरे लल्ला का नामकरण संस्कार करते हैं। मना किया गर्ग आचार्य ने, मना कर दिया। मन तरंगायत हो रहा था, धीरज का बाण छूटे जा रहा था कि कब आज्ञा दे नंद बाबा और यशोदा मैया को, और यशोदा मैया अपने अपने नीलमणि को लेकर मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो जाए और मैं आचार्यत्व की सारी मर्यादाओं का ध्यान न रखते हुए झट से जाऊं और अपने जन्म जन्मांतर के आराध्य के चरण कमलों की रज अपने मस्तक पर धारण कर दूं, अपने अश्रुओं से उनके चरण रज को पखार दूं। कब वो घड़ी आए, इसीलिए तो आया हूं, इसीलिए तो इतनी प्रतीक्षा की है। परंतु फिर भी मना कर दिया। बोले नंदराज से, नंदराज तुम तो जानते हो कि मैं यदुकुल का आचार्य हूं, और अगर कंस को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे बालक का नामकरण संस्कार किया है तो कहीं वो ये ना समझ ले कि यही देवकी का आठवां पुत्र है, और अगर वो सचेत हो गया और तुम्हारे बालक का कुछ अहित ना कर दे तो मैं कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे तुम्हारे बालक को कोई संकट पहुंच जाए, तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, मैं रोहिणी नंदन का नामकरण संस्कार कर सकता हूँ क्योंकि वो तो यदुकुल का ही है, तो मैं उनका करूँगा, लेकिन फिर भी कोई उत्सव मत करना किसी किसी गोष्ठ में, गौशाला में, बगैर किसी उत्सव के हम नामकरण संस्कार करेंगे। नंद बाबा ने आज्ञा दी तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया थाल, पूजा का थाल सजाए हुए लेकर आ रहे थे, मगर नंद बाबा के हृदय में फिर भी यही इच्छा थी कि ऐसे कैसे आप आए हो और मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार किए बगैर चले जाओगे। नंद बाबा ने कह दिया, ब्राह्मणों जन्मना गुरु, क्या फर्क पड़ता है, आप मेरे कुल के ब्राह्मण नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है, आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो सबके होते हैं, सबके हितैषी होते हैं, सबके गुरु होते हैं, और मेरा हित तो यही है कि आप मुझे स्वीकृति दे दें, मेरे मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार भी आप कर लीजिए। अस्वीकृति देने के बाद, मना करने के बाद तो गर्ग आचार्य के मन की स्थिति और भी बढ़ गई, उनके मन की चंचलता और भी बढ़ गई। दूर से देखा यशोदा मैया अपने आंचल में छुपाए अपने लिए नीलमणि को लेकर आ रही हैं मंद मंद गति से। एक बार तो मन किया महात्मा का कि दौड़ कर जाऊं और माता की कोख में, वो जो अनादि है, अनंत है, सारी सृष्टि को एक कृपा दृष्टि से पालने वाला है, आज शिशु बनकर जो यशोदा की गोद में बैठा हुआ है वो कोई साधारण नहीं है, दृष्टि नहीं ठहरती भगवान को। ये नंदलाल जो है, कोई अगर चाहे ना तो भगवान को दृष्टि भर के देख नहीं सकता है, ये उनका इनका स्वरूप ऐसा है, उनका रूप ऐसा है कि दृष्टि सरक जाती है। जब तक भगवान ना चाहे ना, भगवान सामने खड़े हो ना, हम भगवान को नहीं देख सकते। तो न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प महामुनि के हृदय में चल रहे थे। यशोदा मैया निकट आ गई और इससे पूर्व कि महामुनि गर्ग अपना मस्तक प्रणाम करके उनके चरणों में समर्पित कर दे, कन्हैया ने सोचा आज तो महामुनि आचार्य बनकर आए हैं, मेरे बाबा ने इन्हें गुरु का पद दिया है, तो आज तो मैं भगवान नहीं हूँ, आज तो मैं अपनी मैया की कोख में बैठा हूँ, एक छोटा सा शिशु हूँ, तो एक बालक हूँ और आपसे एक याचना लेकर आया हूँ कि आप मुझे एक नाम प्रदान कर दें। तो यशोदा मैया ने जैसे ही महामुनि को देखा, कुछ सोचा नहीं, कृष्ण को महामुनि के चरणों में रख दिया और महर्षि
जी, मैं सोचा कि मेरे अनेक अनेक जन्मों के पुण्य के भविष्य में मैं सोच रहा था कि मैंने ना जाने कितने ऐसे पुण्य किए होंगे जो मुझे यदुकुल का पुरोहित बनने का अवसर मिला। वास्तव में पुरोहित बनना किसी आचार्य के लिए, किसी संत के लिए कोई बड़े गौरव की बात नहीं है, लेकिन यदुकुल का पुरोहित बनना बहुत बड़ा महान कार्य था, क्योंकि इसी कुल में भगवान आने वाले थे। तो भगवान महामुनि गर्ग सोच रहे थे कि पहले तो मैं सोच रहा था कि मेरे पुण्यों की पूंजी का ये फल मिला है, लेकिन क्या कोई पुण्य ऐसा हो सकता है जिसके प्रताप से साक्षात ब्रह्मांड के तीनों लोगों के स्वामी आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हो? नहीं नहीं, ये कोई पुण्य नहीं है, तो भगवान की असीम अहितु की कृपा है। तो यहाँ पर भगवान ने मर्यादा को संभाला और प्रथम प्रणाम ठाकुर जी ने किया, चरणों में रख दिया, परंतु पूर्ण दर्शन नहीं हो रहे थे भगवान के। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा संकोच तो था ही महामुनि के हृदय में। देखिए, याद रखिए, जब तक हृदय में कोई संकोच है, कोई भेद है, तब तक भगवान को, भगवान का दर्शन नहीं मिलता है। क्योंकि जब हृदय के अंदर से सारे संकोच समाप्त हो जाए, अभी महामुनि क्या सोच रहे थे कि यदि मैं नामकरण संस्कार कर दूंगा तो कंस कोई अहित ना कर दे, कोई अनर्थ ना कर दे। भय भीत था महामुनि का हृदय। यशोदा मैया ने सअधिकार विनती की और कहने लगी, हे महामुनि, मेरा ये बालक आपके चरणों में अर्पित है। एक जननी एक याचना लेकर आई है आपके चरणों में, मेरे बालक को मत कीजिए नामकरण संस्कार, परंतु एक स्वस्ति वाचन तो कर लीजिए। आप मेरे बालक को, मेरे पुत्र को एक आशीर्वाद तो दे दीजिए, एक स्वस्ति वाचन। ये जो आपका स्वस्ति वाचन है वो ब्रह्मास्त्र की तरह मेरे बालक की रक्षा करेगा। याद रखिए, कभी भी किसी संत का सानिध्य प्राप्त हो तो उसका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर दीजिए। उसके मुख से केवल इतना निकल जाए कि भगवान तुम पर कृपा करेगा, तो भगवान चाहे कुछ भी हो जाए आपको कृपा किए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए संत के चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए सदैव इच्छा करनी चाहिए। तो भगवान साक्षात भगवान की माता कह रही है कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद तो दे दीजिए, स्वस्ति वाचन तो कर लीजिए। जननी की बात को महात्मा टाल नहीं सके। प्रेम पूर्वक भाव को अस्वीकार करना भगवान के भी वश की बात नहीं है। ज्ञान और कर्म के बाण तो निष्फल हो सकते हैं, परंतु भक्त जब भगवान पर अपना अधिकार जमा लेता है तब तब भगवान कोई भी भाव अस्वीकार नहीं कर सकते। शबरी ने शुरू किया था, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, और ऐसे करते 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 न जाने कब उनके मुख से ये निकलने लगा, मेरे नाम आएंगे, मेरे नाम आएंगे, मेरे नाम। और ये जब राम मेरा हो जाता है, जब कृष्ण आपका हो जाता है, जब भक्त अपने भगवान पर अपना अधिकार जमा लेता है, तब भगवान चाहकर भी आपकी कोई याचना को, आपकी कोई प्रार्थना को, आपके किसी निवेदन को अस्वीकार कर ही नहीं सकते। तब भाग्य, तब किस्मत बहुत दूर चली जाती है। कभी हम बोलते हमारे भाग्य में नहीं, तुम्हारा कृष्ण देना चाहे तो कौन है वो भाग्य विधाता जो तुमसे छीन सकता है? तो भगवान को अपना बनाने का प्रयास करो, भगवान पर अपना अधिकार। भगवान ने तो कह दिया, तुम मेरे हो, मैं वंश जी बनोगे, तुम चाहे किसी भी योनि में हो, मैं तुम मेरे हो, पितामह जगत हो। लेकिन कमी हमारी ओर से है, हम ही संसार को अपना मानते हैं, भगवान को कभी अपना मानते नहीं। भगवान को अपना मान कर देखो, जब भगवान हमारे हो जाएंगे ना, तब क्या कमी रह जाएगी? तो मुस्काया गर्गाचार्य ने, मुस्कान दिए और स्वीकृति दे दी है यशोदा मैया को कि आया ही तो इसीलिए हूँ, मैं कैसे इस सेवा से वंचित रह सकता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा, अब रोहिणी नंदन का नाम संस्कार करेंगे, क्योंकि ये बड़े हैं, अग्रज हैं, तो सब संस्कारों पर पहला अधिकार तो रोहिणी नंदन का ही है। माता ने वस्त्र हटाया और मुनि हृदय के अंदर सोचने लगे
कि प्रभु ये कैसी मर्यादा है जिनके चरणों की रज को मस्तक पर धारण करने के लिए जन्म जन्म तक तपस्या की साधना की आज वो चरण जब सामने आए हैं तो किसी आचार्य की मर्यादा में बंधा हुआ हूँ चरण स्पर्श भी नहीं कर सकता और दूर दूर ही आपसे रहना पड़ रहा है। वास्तव में देखो बड़ा नहीं बनना चाहिए आचार्य बनकर आए ना। जब आप बड़ा बन के भगवान के सामने जाते ना तो भगवान आपसे बहुत दूर हो जाते हैं और हम जब छोटे बन के आते हैं दास बनकर आते ना तो भगवान अपने निकट कर देते हैं। जहाँ एक और महामुनि गर्ग अपने आचार्य आचार्यत्व को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे थे कि इसी प्रोहित्य के कारण तो आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान प्राप्त हुए और ये अवसर मुझे मिला है। और वहीं पर ये आचार्यत्व एक तरफ खटक रहा था कि मैं क्यों आचार्य बन के आया कि आपके चरणों को स्पर्श भी नहीं कर पा रहा हूँ। मन कर रहा था कि दूर कर जाऊं और उनके चरणों को स्पर्श करूं, परंतु क्या ये मेरी गंभीरता के अनुकूल है? क्या ये मेरे गंभीरता के आचार्यत्व के अनुकूल होगा, अनुरूप होगा? नहीं। मन करता था दौड़ कर लपक कर आलिंगन कर दूं यशोदा के नंदन का। जन्मों से जो भाव का प्रवाह अवरुद्ध पड़ा है कहीं हृदय में वो इन नैनों के मार्ग से बह जाए। इस नैनों के नीच नदी का जो जल है वो प्रेम की गंगा में मिल जाए और स्वयं को कृतार्थ कर लो। पर आज मैं किसी और कार्य से आया हूँ इसलिए मैं मर्यादा का भंग नहीं कर सकता। वास्तव में यही परम भक्त का लक्षण है। भक्त जानता है कि इस समय भगवान की लीला के लिए मुझे किस तरह से सहयोग देना है। अनुकूलस्य संकल्पो श्रीनाम भक्तिरुत्तम। इस समय मेरे प्रभु की लीला के अनुरूप क्या है भक्त वही करता है। रोहिणी नंदन का दर्शन करके बोले आह मैं क्या नाम दूं इनको, क्या नाम प्रदान करूं? स्वयं परब्रह्म परमेश्वर जब निद्रा का सुख लेना चाहते हैं तब वो इनकी गोद का आश्रय लेते हैं। जब साक्षात भगवान को जब आराम करना होता है तो इन्हीं की गोद में आकर आराम करते। जब सब कुछ सिमट जाता है, जब कुछ नहीं रहता तब भी ये शेष रहते हैं, इनकी गोद में स्वयं भगवान आराम करते हैं। ये साक्षात भगवान को आराम प्रदान करने वाले हैं इसलिए इनका नाम राम होगा और बल में इनके समान कोई नहीं होगा इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बलराम भगवान की। तो यहाँ पर रोहिणी नंदन का तो नामकरण संस्कार हो गया। जब भगवान को भगवान के इस प्रथम अवतार रोहिणी नंदन का नामकरण संस्कार हो गया तब महामुनि के चित्त का जो चंचलता है वो और बढ़ गई और मुनि के चित्त की वृत्तियां कहाँ अटकी हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा था। यशोदा मैया ने जिस वस्त्र में लपेटा था अपने नीलमणि को वस्त्र हटाती नहीं है। मैया सोच रही है कि कहीं ठंडी बयार न लग जाए, ठंडी हवा न लग जाए और मेरे कन्हैया को कहीं रुगण ना हो जाए, कहीं मेरे लाला को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए वो वस्त्र नहीं हटा रही थी। परंतु भगवान मुनि के मन की भावनाओं को समझ गए। श्री कृष्ण के वाम चरण का एक अंगुष्ठ का एक नख महामुनि को दिखाई दिया। वास्तव में भक्तों ये जो आज महामुनि को प्राप्त होता है ना वो किसी के लिए सरल नहीं। देवता जब भगवान के दर्शन करने के लिए गौलोक में जाते ना तो भगवान के चरण उनको दिखते नहीं है। भगवान के चरण के जो पादुका पहनी हुई होती ना वो भी नहीं दिखते। भगवान के चरण जिस जगह पर रखे होते ना उसको पाद पीठ कहा जाता है। रत्न चरण उस पाद पीठ के दर्शन करके देवता अपने मस्तक को बस उस पाद पीठ पर लगा कर ही अपने आप को धन्य समझते हैं। आज उस भगवान के चरण नख का दर्शन महामुनि को हो रहा है। तो महामुनि को जैसे ही उस नख चंद्र की चंद्रिका को वो
महामुनि ने जब दर्शन किया, महामुनि के मन को बांधे हुए था, मन चित्त की वृत्तियां वहां से हटती नहीं थी। नामकरण संस्कार कर दिया बलराम जी का, अब मन उनके चरणों में था। ये श्री भगवान का आकर्षण है। शशि में ललाट सुधारस में नलराम रता अभिराम में है इतनी छवि राशि कहीं भी नहीं इतनी छवि सुंदर शाम में इतना सुंदर और कोई हो सकता है ऐसा संभव नहीं है। मन में बस एक ही इच्छा कि कौन वो घड़ी आए जब यशोदा मैया अपने लाला का मुख चंद्र एक बार मुझे दिखा दे, मुखमंडल के दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए। यशोदा मैया ने कांपते हुए हाथों से आचार्यत्व की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मुख से घूंघट नहीं हटाया, सलज मुख निम्र मुक्त से कांपते हुए हाथों से अपने नंदनंदन को महामुनि की गोद में धर दिया। महामुनि जड़ हो गए, चेतना विलुप्त हो गई। महामुनि को अपना भान न रहा। कितनी प्रतीक्षा थी कि कब दर्शन होंगे। जन्मों के भाव को नेत्रों के जल से चरणों को जब मैं पखारूंगा, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर कोख में आए, महामुनि को लगा, विचार करने लगे कि महामुनि जन्म जन्मों की साधना का क्या ये पुण्य हो सकता है। ये इतनी साधना जो मैंने अर्जित की थी, इन नीलमणि का दर्शन हो जाए, क्या ये संभव है? आज तक मैं उपचार कर रहा था कि ये दिन आएगा, लेकिन इस दिन में इस घड़ी में जो आनंद है, क्या वो मेरे विचार के अनुकूल है? हे प्रभु, आप तो हर जीव के ऊपर कृपा करने वाले। मन में वो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, आपने मुझे ये सेवा का अवसर प्रदान किया है, अब मेरे मन को इतना विचलित मत कीजिए। सेवा का अवसर दिया है तो साधन भी दीजिए, मेरे मन को इस सेवा का बल भी प्रदान कीजिए। अब कृपया मेरे मन को इतना विचलित न कीजिए। देरी के बांध को कृपया तोड़िए मत। यदि इस क्षण में चूक गया तो जीवन में ये क्षण फिर मुझे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही नंदनंदन के दर्शन किए, शब्द मौन हो गए। उस समय जब महामुनि की गोद में यशोदा मैया ने अपने लाला को दिया, उस समय महामुनि की क्या अवस्था थी वो तो महामुनि ही जानते हैं, या फिर उनके हृदय में बैठे हुए वो अंतर्यामी भगवान ही जानते हैं। क्योंकि उस भाव को शब्दों में बखान करना संभव नहीं है। मैं तो केवल इतना ही कह सकती हूँ, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यारे को प्यारे ही रहने दो, कोई नाम न दो। तो ये कोई शब्द ऐसे नहीं है जो उस प्रेम को प्रकट कर सके, जो उस प्रेम का बखान कर सके। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि महामुनि के मन में जो भाव है, यहीं पर बैठे बैठे उस भाव को अपना प्रणाम अर्पण करें, अपना सादर प्रणाम करें कि काश ऐसा प्रेम, ऐसा भाव जीवन के किसी समय में हमारे हृदय में भी उत्पन्न हो। भगवान का यूं दर्शन, भगवान का इतना सहज आलिंगन हमें भी प्राप्त हो, उस भाव को प्रणाम करना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो मुस्कुरा दिए नंदनंदन, बोला, कब तक प्रतीक्षा करोगे महामुनि, कब मुझे नाम प्रदान करोगे? महामुनि ने कहा, क्या नाम तो? क्या कोई शब्द ऐसा है जो तुम्हारा नाम बन सकता है? इस संसार का कोई शब्द ऐसा नहीं जिससे मैं तुम्हारे स्वरूप को समेट सकूं। कोई नाम तुम्हारा नहीं हो सकता, और अगर देखा जाए तो सभी नाम तुम्हारे हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविदा, तुम तो
कभी अकल में समा ही नहीं सकते। अकल में जो गिर गया वो ला इंतहा क्यों कर हुआ, समझ में जो आ गया वो खुदा क्यों कर हुआ। तो कौन सा नाम दूं, किस किस शब्द में बांधूं तुझे। संसार के समग्र समग्र सुंदरता जो जिनके मन को विचलित नहीं कर सकी, जिनको रंज मात्र भी हिला न सकी, उस मेरे मन को तुमने विचलित कर दिया। आज तुमने मेरे मन चित्त का आकर्षण कर दिया, पूरे संसार को, जड़ चेतन को, स्थावर जंगम को जो आकर्षित करने वाला है, जो समस्त प्राणी मात्र के, जीव मात्र के चित्त को आकर्षित करने वाला है। कर्षति स कृष्ण, जो आपको आकर्षित करे, जो आपको अट्रैक्ट करे, वही तो कृष्ण है। महामुनि संपूर्ण संसार के संपूर्ण सौंदर्य को त्याग कर बैठे थे और आज कृष्ण के चरणों की सुंदरता में अटक कर रह गए। तो बोले, हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र का नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण भगवान की। मानो महामुनि ने कलयुग के जीवों को भवसागर पार करने की एक नौका प्रदान कर दी। लेकिन इतना गुप्त रीति से नाम भगवान का उच्चारण हुआ, कोई उल्लास नहीं, सब जड़ की तरह बैठे हुए थे, किसी को कोई शुद्ध नहीं थी। मैया यशोदा ध्यान से देख रहे थे, केवल विचलित होकर। यशोदा मैया शांत थे। आकाश में जब देवताओं ने देखा भगवान का नामकरण हो गया है, कोई उत्सव नहीं, कोई उल्लास नहीं, तो स्वर्ग में धुंधमिया बचने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, स्वर्ग में गंधर्व गान करने लगे, नृत्य करने लगे और देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे नंद गर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गर आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
गाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, युगधरम हरिनाम संकीर्तन की।